यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर ने बगावत कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर के रस्तोवा शहर के कई हिस्सों पर कब्जे का दावा किया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को गिराने की बात भी कही है। इसके बाद मॉस्को हाई अलर्ट पर है। राजधानी को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के इजिप्ट दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दिन की अमेरिकी विजिट से मोदी सीधे मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचेंगे। मोदी जी इस विजिट को वाइल्ड ट्रेड के हवाले से बेहद अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। शहर के ऐतिहासिक लाल चौक के पास प्रताप पार्क में यह स्तंभ बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शाह वरिष्ठ राजनेताओं से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो शुरू हो गया है। फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज में अरवल कीरी करवत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। 4 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया है। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया था। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विवाद के बीच हरियाणा के पहलवानों में दंगल छिड़ गया है। साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच हाई ट्विटर वॉर के बाद अब विनेश फोगाट और योगेश दत्त के जुवानी जंग शुरू हो गई है। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में चकंदा बाग इलाके के गुलपुर सेक्टर में संदिग्ध हलचल देखने पर सेना के जवानों ने ओपन फायरिंग की। शनिवार सुबह पुंछ सेक्टर में सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के जवानों ने इलाकों को घेर लिया है। गुजरात के जामनगर में एक बिल्डिंग गिर गई। साधना कॉलोनी में एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। जामनगर के आयुक्त DN मोदी ने बताया कि गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने बिल्डिंग को पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था। यहां रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई थी। मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 50 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 92 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 121 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69.7 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.99 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। देश के 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कोणार्क और गोवा, विदर्भ तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु शामिल हैं।